नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात हरदा की पटाखा फैक्ट्री विस्फोट का, यह पूरा मामला है। पटाखा फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों का हंगामा देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। घरों के पास गड्ढे खोदने पर यह रहवासी भड़क उठे हैं। गड्ढे में बारूद या शव दफनाने का साजिश का आरोप भी लग रहा है। गड्ढों में कुछ नहीं देख सकते हैं लोग, प्रशासन का ऐसा कहना है। सख्ती के साथ ही पुलिस ने बंद की लोगों की एंट्री। लोगों का हंगामा यहां पर देखने को मिला है। पटाखा फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग हंगामा करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं। फैक्ट्री के आसपास जो रहवासी हैं वो हंगामा कर रहे हैं और कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। घरों के पास गड्ढे खोदने पर ये रहवासी भड़क उठे। फिलहाल मौके पर जो है प्रशासन की टीम मौजूद है और काबू में स्थिति को करने की कोशिश की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, क्या है मामला, बताइए। जो हरदा में फटाखा फैक्ट्री का जो हादसा हुआ था उसके पास का मामला है। वहाँ के जो फैक्ट्री के आसपास के रहवासी हैं उन्होंने आज ये हंगामा मचाया। उनका ये आरोप था कि प्रशासन उनको उनके जो टूटे फूटे घर है वहाँ तक भी नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जो भी उनके घरों में जो सामान बचा है वो उसे लिया है तो कम से कम वो अपना कुछ दिन गुजर बसर कर सके। लेकिन प्रशासन ने आज वहाँ पूरी तरीके से एंट्री बंद कर दी लोगों की, इसके कारण लोग नाराज हो गए और उन्होंने हंगामा मचा दिया। उनका और ये भी आरोप था कि प्रशासन उनके घरों के पास में गड्ढे खोद रहा है और गड्ढों में जो मलबा निकला जो मलबा है उससे डाला जा रहा है। मलबे में बारूद हो सकता है, शव हो सकते हैं और ये आरोप वहाँ रहवासियों ने लगाया। प्रशासन का ये कहना था कि गड्ढे में किसी तरीके का बारूद या मलबा नहीं डाला जा रहा है, वो जो मकान है वहाँ उनको तोड़ के और वहीं उसका मलबा जो उन गड्ढों में भरा जा रहा है, जिससे कोई रहवासी जो है घटना का शिकार ना हो। फिलहाल यहाँ पर हंगामा फिलहाल शांत कर दिया है, लेकिन रहवासी मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन का ये कहना है कि एक एक करके सभी व्यक्तियों को वहाँ उनके मकानों तक ले जाया जाएगा और जो भी उनका सामान है उन्हें दिलवा दिया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए जानकारी को साझा करने के लिए।